पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा 856 ओबीसी महिला अभ्यर्थी अवैध रूप से ली गई थी, जिनको डिवीजन बेंच ने आरक्षण में गड़बड़ी होने पर मेरिट के आधार पर क्रमानुसार सेवा समाप्त करने का आदेश दिया था। भर्ती बोर्ड सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच के आदेश को माना और ओबीसी 856 महिला अवैध रूप से ली गई थी, इसके साथ ही सेवा समाप्त करने का आदेश दिया था। आपको बता दें, भर्ती बोर्ड द्वारा आज तक महिलाओं की सेवा समाप्त नहीं की गई है, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भर्ती बोर्ड द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुले तौर पर निरंतर अवहेलना की जा रही है। राष्ट्रपति मोदी जी को ज्ञापन दिया है, जिसके अंतर्गत 2009-2010 में भर्ती हुई थी, जिसमें आरक्षी 35,000 की भर्ती हुई थी। उसमें जो है 856 फीमेल लड़कियां गलती से भर्ती हो गए। उसमें 2010 में 11/3/2010 में एक राजीव नाम के आदेश हुआ डिवीजन बेंच में, जिसमें 856 लड़कियों को बाहर निकालने के लिए आदेश हुआ। उसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने उसी आदेश को अलग कर दिया कि ये लड़कियां 856 इनवैलिड, इनको बाहर निकाला जाए। उत्तराखंड